गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं ज्यादा साड़ियाँ वेयर नहीं करती वीडियोस में या फिर टिकटॉक पे। मैं जितनी भी साड़ियाँ पहनती हूँ वो या तो मम्मी की होती है या फिर दीदी की होती है। ऑल दो मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत 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 पसंद है और मैंने भी थोड़ा बहुत अपना साड़ियों का कलेक्शन बना रखा है। अगर आपको देखना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, बिकॉज आपका व्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी सजेशन मुझे मोटिवेशन देते हैं, जिससे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम मम्मी के कॉटन साड़ियों का कलेक्शन देखने वाले हैं, बट बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं ये भी। यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले साड़ी ली है वो है ये स्काई ब्लू कलर की कॉटन की साड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरी मम्मी को अपनी साड़ियाँ अच्छे से रखने की आदत है और मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आप समझ ही सकते हो कि इस वीडियो के एंड के बाद मुझे काफी टाइम लगने वाला है ये सब साड़ियों को अच्छे से रखने में। इस साड़ी का कलर मुझे बहुत पसंद है और ये पूरी साड़ी स्काई ब्लू कलर में है। पूरी साड़ी में रेशम के धागे से पिंक एंड ब्लू कलर का फ्लावर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और कितना प्यारा लुक आता है इससे। और इसके बॉर्डर पे सेम कलर का थ्रेड वूवन बॉर्डर बना है, जो कि साड़ी को डिसेंट लुक दे रहा है। और बात करें इसके पल्ले की, तो ये भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ सजाया गया है, जिससे ये साड़ी का और भी ज्यादा सुंदर लुक लग रहा है। नेक्स्ट साड़ी जो कि है लाइट ग्रीन पिस्ता कलर की साड़ी, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। गोल्डन जरी और थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का बॉर्डर है, जो बहुत ही क्लासी दिखता है। ऑल ओवर साड़ी में ये फ्लावर्स की डिजाइन है, आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। इसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है पहनने में, क्योंकि ये शिफॉन और जॉर्जेट जैसी साड़ियों की तरह सेट नहीं होती जल्दी। अगर हम इसे अच्छे से पिनअप करके पहने तो बिलीव मी ये काफी कंफर्टेबल होता है और एक अच्छा ही लुक देता है। बात करें इसके पल्ले की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। फ्लावर की डिजाइन आपको पूरे पल्ले में मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछोगे इन साड़ियों का लिंक, तो ये सारी साड़ियाँ ऑफलाइन ली गई हैं, तो लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट जो सेकंड साड़ी है वो ऑरेंज एंड येलो कॉम्बिनेशन की साड़ी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। इसका बॉर्डर ब्राउन कलर में है और इसके बॉर्डर में सर्कल बने हुए हैं और इन सर्कल में पीकॉक की डिजाइन बनी हुई है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लुक क्रिएट कर रहा है। साड़ी में येलो एंड ऑरेंज कलर की लाइंस बनी हुई है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। साड़ी के पल्लू में ब्राउन ऑरेंज एंड येलो कलर के बॉर्डर बने हुए हैं, जो कि साड़ी को कंप्लीट लुक दे रहा है। कॉटन की साड़ियाँ लाइट वेट होती हैं, इसलिए इनको कैरी करना बहुत ही इजी होता है। मैं कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले वीडियोज में मैं इन साड़ियों को यूज करके कुछ अच्छा सा मेकअप लुक आप लोगों के लिए लेकर आऊं। साड़ी जो कि है ग्रीन एंड पिकॉक ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका बॉर्डर बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं, बॉर्डर पिकॉक ग्रीन कलर का है, जिसमें गोल्डन जरी का काम हुआ है। इसकी पल्लू की बात करें तो इसमें छोटे छोटे टैसल बने हुए हैं। पल्लू में पिकॉक ग्रीन और गोल्डन का जरी का काम हुआ है, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट लुक दे रहा है।
अब तक की इन सभी साड़ियों में से ये मेरी फेवरेट साड़ी है। I mean, बाकी की भी साड़ियाँ बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट ये मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है। और इस साड़ी में मैंने महाराष्ट्रीयन मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो कि गणेश चतुर्थी के लिए परफेक्ट लुक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए।